अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, ये टू कोसेक थीटा के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, इस पूरे पद को इससे भाग देंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा, और टेन थीटा को टेन थीटा से गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से अगले पद में हमें मिलेगा सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। आगे इस पद का विस्तार कर देंगे, मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन। तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला सेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये लास्ट में टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन। सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा दो बार है, तो यहाँ से लिखेंगे टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन। यहाँ पर देखिए टू सेक थीटा जो है वो कॉमन है, तो अंश के दोनों पदों में हम टू सेक थीटा उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पर हर में दिया गया है टेन थीटा और ये सेक थीटा प्लस वन। तो सेक थीटा प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा टू अपॉन साइन थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं टू कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके, तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू टू कोसेक थीटा। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये इक्वल टू होगा वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। दो विधियाँ हो सकती है, या तो हम इसको सामान्य तरीके से लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकाल करके सरल करें और सरसमिका का उपयोग करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, या फिर टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो चलिए टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, ये लेफ्ट साइड पे दिया गया है, प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। एज वी नो टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे, पहले ये टेन थीटा और ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा और ये वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा और यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा, और यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉट थीटा है, और यहाँ पर एलसीएम मिलेगा आपको कॉस थीटा, और ये मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसे जब आप सरल करेंगे तो ये टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा के लिए, और फिर ये अनुपात जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा अंश में चला जाएगा तो ये मिल जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से प्लस यहाँ पर भी आप कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा अंश में चला जाएगा
और इसे जब आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए ये है कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंश में है साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इन दो इसको इस रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया है और यहाँ पर आगे जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंश में है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों पदों को सरल करने के लिए एक तरीका ही है, वह यह कि दोनों का हम एलसीएम निकाल लें और आगे सरल करें। तो जब इसे आप एलसीएम निकालेंगे तो दोनों पदों का गुणनफल हो जाएगा और ये मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस पूरे पद को इस हर से भाग देंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से इस पूरे पद को इससे भाग देंगे आपको मिलेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। और चूंकि आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप कई बार कर चुके हैं, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अंश को हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो पहला हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये पूरा पद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है अंश में और हर पे भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन होता है तो हमने यहाँ पर वन लिख दिया, वन प्लस मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों पदों को अलग अलग लिख लीजिए, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे आपको मिल जाएगा वन। वन अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा और ये प्लस वन, तो इसे आप लिख सकते हैं वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और ये राइट हैंड साइड है तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। लेफ्ट साइड पे लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे सिद्ध करते हैं अगला प्रश्न, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन और माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है कि ये टू कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ये दिया गया है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा लिखेंगे और सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा ऐसा लिख करके इसे हम आगे हल करेंगे। तो टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को हम लिख रहे हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन माइनस ये साइन थीटा है और ये वन प्लस कॉस थीटा। इसे जब आप सरल करेंगे साइन थीटा ये अंश में है, कॉस थीटा इसके हर में आ जाएगा और इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और आपको मिलेगा वन माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा। दोनों पदों में साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल करके हम आगे हल करते हैं, साइन थीटा तो कॉमन है तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा और इसके अंश में आएगा वन प्लस कॉस थीटा और माइनस वन और ये माइनस और माइनस प्लस कॉस थीटा, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा,
मिलेगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा है, और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में हमें जो मिल रहा है वो है 2 कॉस थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अंश में देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये साइन थीटा और ये नीचे में साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, तो इस तरीके से ये मिल गया 2 कॉट थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। लेफ्ट साइड को लेकर के चलते हैं, इन दोनों को हम आगे सिद्ध कर पाएंगे। तो 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए, इसका परिमेयकरण करने के लिए हम इससे गुणा करेंगे 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए और अपॉन 1 प्लस सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पर गुणा होगा 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए से। देखिए 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए, 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए, ये दोनों सेम है, तो इस तरीके से 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पदों को अगर हम ए मान ले और ये दूसरे पद को बी मान ले तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आगे हल करते हैं, देखिए इस पद को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस सेक ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस सेक ए इंटू टेन ए अपॉन, इसे जब आप सरल करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस टेन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। आगे इसका विस्तार करते हैं, ए 1 प्लस सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए, फिर ये प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस 2 टेन ए, ये 2 टेन ए का गुणा 1 से करेंगे तो 2 टेन ए मिलेगा, फिर माइनस 2 टेन ए सेक ए, 2 टेन ए सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये एक के बराबर होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसे हम एक लिखेंगे, और तो ये 1 और ये टेन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं एक साथ, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इन दोनों पदों को हमने एक साथ लिख लिया है, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, ये पद हो गया, फिर 2 सेक ए प्लस 2 सेक ए, ये वाला पद हमने लिख लिया है, फिर माइनस 2 टेन ए, माइनस 2 टेन ए, और फिर माइनस 2 टेन ए सेक ए, और ये इसके अपॉन में है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे एक हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 सेक ए। आगे हल करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए और ये और एक सेक स्क्वायर ए माइनस टू सेक ए माइनस टू टेन ए माइनस टू टेन ए सेक ए अपॉन, इन दोनों से यदि हम टू कॉमन ले लें तो बचेगा वन प्लस सेक ए, सेक ए सेक ए ये दो बार है तो हम लिखेंगे टू सेक स्क्वायर ए माइनस टू सेक ए माइनस टू टेन ए माइनस टू टेन ए सेक ए अपॉन टू वन प्लस सेक ए। प्रथम दो पद में हम टू सेक ए को कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा सेक ए माइनस वन, और यदि इन दोनों पदों से हम माइनस टू टेन ए को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा वन माइनस सेक ए, और ये टू टू वन प्लस सेक ए। यहाँ पर सेक ए माइनस वन है और यहाँ पर वन माइनस सेक ए है, तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से टू सेक ए इंटू सेक ए माइनस वन, और ये माइनस अगर कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा प्लस टू टाइम्स टेन ए इंटू सेक ए माइनस वन अपॉन टू वन प्लस सेक ए। तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है वन प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू टू। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, कॉट एक्स को साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में, सिमिलरली कोसेक एक्स को साइन के फॉर्म पे और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में, और सेक को वन बाई कॉस इस तरीके से लिखेंगे और हल करेंगे, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। वन प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, चूँकि टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ से आप लिख पाएंगे कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और सेक एक्स को लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स और कोसेक एक्स को आप लिख सकते हैं वन बाई साइन एक्स। तो इस तरीके से पूरे पद को हम साइन और कॉस के फॉर्म पे लिख लेंगे, वन प्लस कॉट एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स को आप लिखेंगे वन बाई साइन एक्स, फिर वन प्लस टेन एक्स को लिख रहे हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर सेक एक्स को लिख रहे हैं वन अपॉन कॉस एक्स। इसमें जो एलसीएम आएगा ये आएगा साइन एक्स, और न्यूमरेटर में या अंश में आएगा साइन एक्स पर प्लस, फिर ये वाला कॉस एक्स और फिर ये माइनस वन, फिर सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, दोनों का गुणा करना है, अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर माइनस वन है यहाँ पर प्लस वन है, चूँकि आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और साइन एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वन अपॉन ये साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये वन होता है, तो आप लिखेंगे इक्वल टू वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये माइनस वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा टू इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मिलेगा टू जो कि है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, ये सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए, ये इक्वल टू होगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये इक्वल टू
सेक ए माइनस टेन ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करें, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम ये फर्स्ट टर्म को लेकर के चल रहे हैं, वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए, तो ये आपको मिल जाएगा वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए इंटू, इस हर में जो पद है इसके संयुग्मी से गुणा और भाग कर रहे हैं, तो वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए होगा। अब देखिए अंश में वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए, वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए ये है, तो ये दोनों, तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यदि वन प्लस सेक ए को हम ए मान लें और टेन ए को बी मान लें, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वन प्लस सेक ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, ये पूरे पद को ए मान लीजिए, इस पद को बी मान लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम लिखेंगे वन प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू, यहाँ पर आएगा माइनस टू ए बी, तो टू टेन ए और वन प्लस सेक ए, और फिर अपॉन वन प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे, तो वन प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए और फिर माइनस टेन स्क्वायर ए, ये पद का विस्तार करेंगे, वन प्लस मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर माइनस टू टेन ए, टू टेन ए का वन से गुणा करेंगे तो मिलेगा टू टाइम्स टेन ए, फिर माइनस टू टेन ए इंटू सेक ए, और फिर अपॉन, चूंकि आपको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा को हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो वन ये है और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस टू सेक ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस सेक स्क्वायर ए, और फिर है प्लस टू सेक ए, और यहाँ पर ये जो टेन स्क्वायर ए है इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये जो टेन स्क्वायर है इसे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस वन, फिर ये माइनस टू टेन ए, फिर माइनस टू टेन ए सेक ए अपॉन ये वन प्लस वन टू, और ये टेन स्क्वायर है और माइनस टेन स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे टू प्लस टू सेक ए। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, तो आप लिखेंगे टू सेक स्क्वायर ए, ये प्लस वन और ये माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, और अगला पद है टू सेक ए ये वाला पद, और फिर माइनस टू टेन ए ये वाला पद, और ये माइनस टू टेन ए इंटू सेक ए, और हर में जो पद है इससे हम टू कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस सेक ए, अंश के दोनों प्रथम, अंश के प्रथम दो पद से आप टू सेक ए को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आएगा सेक ए प्लस वन, इसी तरीके से अंतिम दो पदों से माइनस टू टेन ए को हम कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा वन प्लस सेक ए, और फिर अपॉन टू वन प्लस सेक ए, सेक ए प्लस वन और वन प्लस सेक ए, ये दोनों को अगर हम कॉमन ले लें या समान है, तो सेक ए प्लस वन यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर टू सेक ए है और फिर माइनस टू टेन ए है और अपॉन टू
वन प्लस सेक ए, तो सेक ए प्लस वन और वन प्लस सेक ए ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू हम लिखेंगे इन दोनों पदों से अगर टू कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा सेक सेक ए माइनस टेन ए और अपॉन ये टू और ये वन प्लस सेक ए और वन प्लस सेक ए कैंसिल हो गया, तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया सेक ए माइनस टेन ए, तो इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। देखिए ये यहाँ से लेकर के चले थे और ये हमें अंतिम पद मिल चुका है और इसको हम और आगे हल करते हैं। सेक ए को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों पदों में कॉस ए एलसीएम है, अंश में मिलेगा वन अपॉन, अंश में मिलेगा वन माइनस साइन ए, ये दूसरा। तो देखिए एक और दो से हम लिख सकते हैं कि वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए। देखिए यहाँ से लेकर के चले थे और हम पहुँच गए हैं कहाँ पर, सेक ए माइनस टेन ए पर। और इसको और आगे हल किया, इसको और आगे हल करने पर हम पहुँच चुके हैं वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए तक। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है वन माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, वन माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर और वन प्लस वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सिमिलरली वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉट थीटा। तो देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टू टेन थीटा माइनस टू कॉट थीटा एज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये हो गया, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू को यदि हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर के प्रथम दो पद मिल चुके हैं, माइनस टू सेक थीटा कोसेक थीटा हमें चाहिए, तो इसे हम आगे हल करते हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। चलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू, दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और अंश में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये पुट कर देंगे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू वन अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। इट इज़ नथिंग बट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और ये ही है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, ये इक्वल टू होगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के।
लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ये है टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए आप इसका परिमेयकरण करके भी हल कर सकते हैं, या फिर हम एक सर्वसमिका का उपयोग कर सकते हैं, वह है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिख सकते हैं, या फिर वन के स्थान पर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, यह है टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए टेन एक्स प्लस सेक एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स ये कॉमन है, तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स को यदि आप कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा यहाँ पर है वन, और ये अगला पद है माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। तो देखिए टेन एक्स माइनस एक एक्स प्लस वन, टेन एक्स माइनस एक एक्स प्लस वन, ये दोनों पद कैंसिल हो गए, आपको मिल चुका है टेन एक्स प्लस सेक एक्स। अब टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और सेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स। दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स, और अंश में हमें मिल रहा है साइन एक्स प्लस वन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यही है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है।